बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बच्चों के साथ रहा करता था। कालू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जी उगाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस बार तुम अपनी खेत में बैंगन की खेती करो। ठंड का मौसम आ रहा है, बैंगन की अच्छी बिक्री होगी। लेकिन टुनटुनी, अगर मैंने अपनी खेत में बैंगन लगा दिया तो उसे होने में समय लगेगा, तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं उसमें बैंगन लगाने के बारे में सोचता। मेरे गहने हैं ना, उसे आप बेचकर थोड़ी जमीन खरीद लो। आखिरकार वो बक्से में ही पड़ी है, अगर वो आपके किसी काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे टुनटुनी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन वो तुम्हारे गहने हैं, वो तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं ले सकता। मैं जैसे खेती करता आ रहा हूँ, मैं वैसे ही खेती करूँगा। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा जी? ऊपर से साहूकार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, तुम मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर उससे थोड़ी जमीन खरीद लूंगा, और जैसे ही बैंगन की फसल अच्छी होगी मैं उसे बेचकर तुम्हारे गहने छुड़वा लूंगा। अगले ही दिन कालू कौआ गहने गिरवी रखकर थोड़ी सी जमीन खरीद लेता है और अपने खेत में काम करने लगता है। उसे खेत में काम करता देखकर बंटी कबूतर वहां आता है और उससे कहता है, अरे ओ कालू भैया, अपने खेत में क्या उगाओगे? अरे बंटी भैया, मैं अपने खेत में बैंगन की खेती करूंगा। अरे वाह कालू भैया, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी अपने खेत में बैंगन उगा रहा हूँ और मेरे पास अभी भी बहुत सारी बीज पड़ी है। अगर तुम चाहो तो मुझसे ही बीज खरीद सकते हो, मैं तुम्हें बाजार से कम कीमत में बीज दे दूंगा। बंटी दूसरों की तरक्की देखकर जलता था, वो कालू को खराब बीज दे देता है। कालू उससे बीज खरीद कर अपने खेत में बो देता है और खुशी खुशी अपने घर चला आता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब कालू अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में अभी तक एक भी पौधे नहीं उगे थे। ये देखकर कालू कौआ बहुत उदास होता है और दुखी मन से अपने घर आता है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं टुनटुनी, मैंने बंटी से बैंगन के बीज लेकर अपने खेत में बोए थे और अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं आया। उस बंटी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अजी, बंटी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो, ये बैंगन के कुछ बीज हैं, मैंने पिछले साल बैंगन में से निकाल के रखे थे, इसे लेकर अपने खेत में बो दो। उसके बाद कालू कौआ उन बीजों को अपने खेत में बो देता है। दो दिनों बाद ही उन बीजों में से पौधे निकल आते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। टुनटुनी, देखो ना, अपने खेत में कितने सारे बैंगन के पेड़ उगाए हैं। चलो इन बैंगनों को तोड़कर बाजार में बेच आते हैं। उसके बाद कालू कौआ उन बैंगनों को बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाने लगता है और अपने बीबी बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। सुंदरपुर नाम के एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम टुन्नू और बेटी का नाम टुनटुनी था। टूनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत ही निपुण थी
और इसीलिए टूनी मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपने बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। कुछ ही दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इसीलिए टूनी ने मिट्टी के बर्तन बना दिए थे ताकि उन्हें बेचकर वो बच्चों के साथ उमंग व उत्साह से दिवाली का त्योहार मना सके। वो दिन भर दिए बनाती और उसकी बेटी टुनटुनी उसको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीदो, सुंदर और सस्ते दिए खरीदो, एक बार देख लो कितने सुंदर और सस्ते दिए हैं। टुनटुनी दिए बेचने के लिए आवाजें लगाए जा रही थी तभी एक चिड़िया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे चिड़िया, मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। आंटी, मैं तो सड़क के किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ, क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दे, रुक तुझे अभी बोलना सिखाती हूँ। ये कहकर दुकान की मालकिन मीनू टुनटुनी के सभी दियों को उठाकर एक तरफ फेंक देती है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। टुनटुनी सोचते हुए सभी दियों को उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना सही नहीं होता है आंटी, याद रखना परमात्मा सब देखता है। ये कहते हुए टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतरी उसे चुप कराते हुए कहती है, क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ और सारी बात बताओ। इस दुकान की मालकिन ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए हैं। मैं यहाँ बैठकर दिए बेच रही थी, अब मैं क्या करूँगी, माँ को जाकर क्या कहूँगी। चुप हो जाओ बेटी और कहीं जाकर दिए बेच लो, गरीब को सताने में न जाने इन पैसे वालों को क्या मजा मिलता है, गरीब की कोई नहीं सुनता बेटी, भगवान तेरी मदद करेगा। ये कहकर बबली कबूतरी अपने घर चली जाती है और उसके बाद टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है। घर आकर टुनटुनी जब इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है, रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है, मैं तुझे कल नए दिए बनाकर देती हूँ, कल से तू किसी और जगह पर जाकर बेच लेना, भगवान भी न जाने कैसा निर्दयी है जो हमारी सुनता ही नहीं है। टुनटुनी अपनी बेटी को और नए दिए बनाकर दे देती है और वह उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। टुनटुनी पूरे लगन से दिए बेच रही थी लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के दिए ही बिक पाते हैं। आज तो सुबह से शाम हो गई और केवल 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिवाली नहीं मना पाएंगे, इतने कम पैसों में तो दो वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पाता है, फिर हम दिवाली कैसे मना पाएंगे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती है। माँ देखो ना, आज तो दिवाली का दिन भी आ गया और दिए तो बिक भी नहीं रहे हैं, इस तरह तो यही लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा, तू बेच तो दिए, आज कुछ ज्यादा ही बिक जाए, क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए, तू हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर टुनटुनी को कुछ हिम्मत मिलती है और वह दिए लेकर घर से निकलने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है और कहता है, दीदी आज दिवाली है
आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे जरूर लाओगी ना? दीदी बोलो ना। क्यों नहीं लाऊंगी, नए कपड़े, मिठाई और थैला भर के पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन टुनटुनी को सारा दिन अपने भाई का चेहरा बार बार याद आता है। उस दिन टुनटुनी दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वह लोगों को जोर जोर से आवाजें देकर बुलाने लगती है। लोग उसका उत्साह देखकर दिए भी खरीदने लगते हैं। आज तो कुछ अच्छी बिक्री हो रही है, शायद आज मेरे गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो जाए, आज हम उमंग से उत्साह से दिवाली मना पाए। टुनटुनी पूरे उमंग से आवाजें लगाए जा रही थी, तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। टुनटुनी देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया को एक शिकारी चील उठाकर ले जा रहा है। टुनटुनी भागी भागी उसके पीछे जाती है और उस चिड़िया को उस चील से बचाकर ले आती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, सामने वाली दुकान की मालकिन मीनू चिड़िया की बेटी थी। जब मीनू चिड़िया अपनी बेटी को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगती है। कुछ ही देर बाद मीनू चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा आ जाता है। उसके बाद मीनू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को दिवाली की सारी शॉपिंग कराती है और उसे छोड़ने उसके घर तक आती है। उसके बाद मीनू चिड़िया का पूरा परिवार टुनटुनी चिड़िया के पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाने लगता है।